नमस्कार दोस्तों, पिछली बार मैं आपके पास आया था शिलपरा रेलवे स्टेशन आपको दिखाने के लिए, लेकिन आपको याद होगा खराब मौसम होने की वजह से और पूरे रास्तों में पानी भर जाने की वजह से मैं आपको रेलवे स्टेशन नहीं दिखा पाया था। लेकिन दोस्तों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको रेलवे स्टेशन जरूर दिखाऊंगा, तो अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए आज मैं आपको लेके आया हूँ शिलपरा रेलवे स्टेशन में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सतना रीवा सीधी सिंगरौली रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की। आज हम आए हैं शिलपरा रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको खासियत बताई थी इन पिलर्स की, और हमारे एक बहुत ही बेहतरीन दोस्त श्रीनी, जो कि बैंगलोर में जॉब करते हैं, पेशे से इंजीनियर हैं, उन्होंने मेरे डाउट्स को थोड़ा और क्लियर करते हुए बताया था इन्हें स्लीपर्स कहते हैं। तो धन्यवाद करना चाहूंगा मैं श्रीनी भाई का, धन्यवाद श्रीनी। तो ये पिलर्स देख सकते हैं किस तरह रखे हुए हैं और कैसे इनके ऊपर पटरी बिछाई जाती है, उसके बारे में मैंने पूरा आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर उसके बारे में आपको जानना है तो ऊपर दिए हुए आई बटन में आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों, ये देखिए, मेरे पीछे आपको सुलभ शौचालय दिखेगा। ये एक सार्वजनिक सुलभ शौचालय होने वाला है जो कि रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आएगा। जो भी यात्री मुसाफिर यहाँ पे सफर करना चाहते हैं या फिर इस रेलवे स्टेशन में आना चाहते हैं, इमरजेंसी होने पे इस सुलभ शौचालय को यूज कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो दोस्तों, मैं बहुत थक गया था पैदल आकर और आपको शूटिंग करा के। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे बैठ चुका हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ये विश्राम गृह बना हुआ है, जहाँ पे हम बैठ के ट्रेन का इंतजार करते हैं, जैसा कि मैं आपको हर रेलवे स्टेशन में बताता हूँ। तो ये खासियत रेलवे स्टेशन शिलपरा में भी होने वाली है। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि रेलवे स्टेशन शिलपरा किसी भी मायने में किसी भी स्टेशन से कम नहीं होने वाला है। यहाँ पे ये पानी पीने के लिए बनाया गया है, एक व्यवस्था थी बैठने के लिए, जब आप थक जाते हैं तो वहाँ पे बैठ के या फिर ट्रेन का इंतजार करने के लिए बैठ सकते हैं। और दूसरा, यहाँ जस्ट मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि पानी पीने की व्यवस्था यहाँ बनाई जाएगी। जैसा कि ये स्टेशन भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी वजह से यहाँ पे आपको पानी की व्यवस्था के लिए पाइप और नल के टैप नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आने वाले फ्यूचर में यकीन मानिए 1 से 1.5 साल के अंदर ये रेलवे स्टेशन कंप्लीट होकर चालू हालत में होने वाला है। तो दोस्तों, आपको मेरे पीछे खेत दिखाई दे रहे होंगे और मेरे अपोजिट साइड में खेत ही खेत है। तो जरा सोचिए, ये रेलवे स्टेशन जिस जगह पे बन रहा है, क्या वहाँ पे खेत नहीं होगा? जी हाँ, आपने बहुत सही अनुमान लगाया है। जहाँ पे हम खड़े हैं, मतलब कि रेलवे स्टेशन शिलपरा जहाँ पे बनने वाला है, वहाँ पे भी खेत ही था, मतलब फार्म लैंड थी। तो जरा सोचिए, गवर्नमेंट की का प्रोजेक्ट जिसके फार्म लैंड में बनने जा रहा होगा, उसे कितना अच्छा मुआवजा मिला होगा, और साथ ही साथ उसके अगल बगल वाले खेतों में कितना ज्यादा उसकी कीमतें बढ़ चुकी होंगी, और इस गांव का डेवलपमेंट होना लगभग पूरी तरह से सुनिश्चित तौर पर तय है। यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन का स्टोर रूम बनने वाला है। जो भी चीजें रेलवे से बाय ट्रेन आएंगी और उसे स्टोर करने के लिए ये रूम, जो दुकान जैसा आपको दिख रहा है, बनने वाला है। आइए आपको दिखाते हैं मेन बोर्ड ऑफ। रेलवे स्टेशन शिलपरा की व्यवस्था देखते ही बनती है। जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो आपको डोर टू डोर दिखाई दे रहे हैं, ये रेलवे कर्मचारियों के ऑफिस होने वाले हैं। और यहाँ पे जैसे आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे देखते हैं, ऑफिसेज होते हैं, चाहे वो टिकट घर हो या फिर अलग अलग टाइप के ऑफिसेज, ये आपको सामने भी आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। आइए आपको इस रेलवे स्टेशन की और खासियत बताते हैं और दिखाते हैं कहाँ पे इसका टिकट काउंटर है। उससे पहले ये जान लीजिए दोस्तों, ये कितनी सारी आपको मशीन्स दिखाई दे रही है। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ काम कितने तरीके से चल रहा है और डेली चलता जा रहा है। देखिए, ये जहाँ भी आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, ये कोई ऐसी मामूली सी खाली जगह नहीं है दोस्तों। यहाँ पे पटरियाँ बिछाई जाएंगी और पटरियों के पीछे वो जो आपको स्लीपर्स दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर पहले स्लीपर्स बिछाया जाता है, उसके ऊपर ट्रैक्स बिछाए जाते हैं। और वो देखिए, उसमें यूज होने वाली गिट्टी भी आपको वहाँ खेत में दिखाई दे रही होगी। तो देखिए कितनी हैवी हैवी मशीन्स हैं यहाँ पे, जिससे डेली यहाँ का काम जारी है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ दोस्तों, ये शिलपरा रेलवे स्टेशन के एकदम फ्रंट व्यू पे मैं खड़ा हूँ, और ये वो जगह है जहाँ से हम रेलवे स्टेशन के अंदर इंटर करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का टिकट काउंटर कहाँ पे है, किस तरह की आगे की व्यवस्था होने वाली है। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये टिकट काउंटर है जो कि किसी भी रेलवे स्टेशन में होता है, और बहुत आवश्यक चीज है दोस्तों।
आपको कहीं का भी सफर करना है, किसी भी रेलवे स्टेशन जाना है, तो टिकट आपको उस रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से लेनी पड़ती है। सेम उसी तरह सिलपरा रेलवे स्टेशन का ये टिकट काउंटर है जहाँ से आप आएंगे और सबसे पहले टिकट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे यहाँ का बैक व्यू होगा, मतलब पीछे से जो आदमी जाना चाहे वो रेलवे स्टेशन में इस जगह से आके एंट्री कर सकता है। यहाँ से चढ़ के आएगा और चढ़ते हुए सबसे पहले उसे एक टिकट काउंटर सामने से मिल जाएगा और जहाँ जाके वो टिकट ले सकता है। आइए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन में हैंडपंप लगा हुआ है जो कि टेम्परेरी बेसिस में लगा हुआ है, जो कि अभी जो लोग काम करते हैं या फिर कोई प्यासा आदमी जैसा कि हमारे सपोर्टिव मेंबर पानी पी रहे हैं, इस तरह से वो अपनी प्यास बुझा सकते हैं। मतलब ये टेम्परेरी बेसिस में, आगे चल के यहाँ पे बोरवेल होंगे और जितने मैंने आपको पॉइंट दिखाए हैं वहाँ पे पानी उपलब्ध रहेगा। दोस्ती आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ये एग्रीगेट्स पड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। चलिए फिर से बताता हूँ। सबसे पहले किसी भी जगह में, जैसा कि ये प्लेन हो रखी है लैंड, उसे प्लेन किया जाता है, जो कि वो मशीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनके हेल्प से प्लेन किया जाता है। उसके बाद वहाँ पे जो मुरुम आपको मैंने वहाँ पे दिखाई थी, मुरुम बिछाई जाती है, उसके ऊपर से ये एग्रीगेट डाला जाता है। एग्रीगेट डालने के बाद फिर से मटेरियल डालने के बाद ये स्लीपर्स उसके ऊपर डाले जाते हैं और स्लीपर्स के ऊपर रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाते हैं। बिछाने के बाद फिर से उसके ऊपर से सेम एग्रीगेट को डाला जाता है। तो समझ सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ी प्रोसेस होती है और कितनी चैलेंजिंग प्रोसेस होती है, जिसके कारण इतनी बड़ी ट्रेन इतना बड़ा लोड कैपेसिटी कैरी करते हुए भी बहुत आराम से हमें हमारी मंजिल की ओर पहुंचा देती है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं किस तरह में पीछे आपको बिल्डिंग सी दिखाई दे रही है, एक्चुअली में वो कॉलोनी होने वाली है। दोस्तों हमारे जो रेलवे के सपोर्टिंग स्टाफ्स होंगे वो वहीं पे जाके रहने वाले हैं, एक्चुअली वो गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स बनने वाली हैं जहाँ पे कैंटीन के साथ साथ रेसिडेंशियल ऑफ रेलवे स्टाफ्स भी होगा। देखिए कितना बेहतरीन ये रेलवे स्टेशन बन रहा है। आपने ये रेलवे स्टेशन देखा कि बिना बने हुए जब इसमें काम चालू है तब ये कितने खूबसूरत ढंग से हमें समझ में आ रहा है। तो जरा एक बार इमेजिन कीजिए कि ये रेलवे स्टेशन बन जाने के बाद कितना खूबसूरत होगा। और ये रेलवे स्टेशन बना है सिलपरा गाँव में। सिलपरा गाँव आपको बता दूं 5000 स्क्वायर मीटर में बसा एक गाँव है, जो कि बहुत छोटा सा कस्बा टाइप का भी कह सकते हैं, लेकिन इस तरह के गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स हो जाने के कारण उसकी वैल्यू कितना बढ़ जाती है। एक कोई चीज है जिस गांव का कोई नाम भी नहीं जानता है, वहां पे रेलवे स्टेशन बन जाने के बाद वो गांव अपने आप में पूरी तरह से उस डिस्ट्रिक्ट और उस स्टेट में प्रसिद्ध हो जाता है। तो दोस्तों मेरे पीछे भी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ग्राउंड पड़ा है, लेकिन वो नॉर्मल ग्राउंड नहीं दोस्तों। जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है वो ट्रैक वहीं पे बिछाए जाएंगे। अभी आप मेरे उस साइड पे देखेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस साइड में जो ट्रेन चलेंगी वो रीवा के लिए, सतना के लिए मिलने वाली है उस साइड पे। अभी वहीं आप अगर मेरे अपोजिट साइड पे ध्यान देंगे दोस्तों, अगर इस साइड पे आप देखते हैं तो ये ट्रैक्स आगे बढ़ता हुआ आपको गोविंदगढ़ और आगे होते हुए सीधी सिंगरौली ले जाएगा। तो समझ सकते हैं दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन ये होने वाला है, हमारे रेलवे लाइन प्रोजेक्ट रीवा सतना सीधी सिंगरौली प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मटेरियल बहुत ज्यादा मात्रा में रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे काम स्टार्ट है और मटेरियल की बिल्कुल भी कमी पड़ने वाली नहीं है। तो बहुत ही अच्छा रेलवे स्टेशन ये इन फ्यूचर हमें मिलने वाला है। और देखिए, जो कि मैं ये गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स की बात कर रहा था, ये आपकी जहाँ तक नजर जा रही है वहां तक बने, ऐसा नहीं है कि कमरे दो कमरे बस बना, जी नहीं। और देखिए जहाँ आपको बने दिख रहे हैं, कुछ में आपको छत पड़ी दिख रही है और कुछ अभी भी कंस्ट्रक्टिव दिख रहे हैं। तो आगे चल के ये और आगे बनने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको खेतों के बारे में बताया था, किस तरह ये खेतों में बन रहा है, जिसके कारण जिस किसान को उसका मुआवजा मिला होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। तो आप इसी से इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि एक रेलवे स्टेशन किसी एक छोटी सी जगह में कितना महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों आखिरकार लास्ट में हम आ चुके हैं शिलपरा रेलवे स्टेशन के। माफ कीजिएगा दोस्तों, मैंने अपने सपोर्टिंग को स्टार के बारे में आपको बताया ही नहीं, जो कैमरा पकड़ रखे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कीर्ति भाई, बहुत अच्छा साथ दिया इस रेलवे स्टेशन के बारे में वीडियो बना। पीछे आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा जिसमें शिलपरा साफ साफ अक्षरों पे लिखा हुआ है। 350 मीटर इस लंबे प्लेटफॉर्म को देखकर आपको कैसा लगा? हमारी बनाई हुई इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं मिली? हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा?
प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और आप लोग का कमेंट ही है जो पढ़ के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है और ज्यादा काम करने की इच्छा होती है। तो कृपया करके कमेंट करें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और इस छोटे से गांव में जो रेलवे स्टेशन बना हुआ है, आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।